गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में अपन लाइटर की अनबॉक्सिंग करने वाले, जो आप बैकग्राउंड में इसके व्यू देख रहे हो यही वो लाइटर है जिसकी हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले, और इस अनबॉक्सिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बढ़ते जाए वीडियो की तरफ और देखो इसके कुछ व्यू और मज़े लो। और ये कुछ लाइटर है, तो इससे ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये बहुत ही ज़्यादा मस्त निकला, मतलब इसकी प्लास्टिक क्वालिटी सब मस्त थी। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ था नहीं, मैं बस तो मैंने जुगाड़ लगा और हाथ से पेन वन ठोक ठोक के ना इसको खोल डाला। तो खोल देते इसको यहाँ से ना इसको पूरा फाड़ डाला, मतलब इसके अंदर की पैकेजिंग इतनी मस्त थी। और ये बबल वाले रेप में पैक था, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है टूटने की। मैं तो उसको पहले फेंकने की सोचा था पार्सल को, मैंने कहा टूट टूट जाएगा इसलिए मैंने फेंका नहीं। और ये बबल वाले रेप में था तो मतलब हाँ सही है, पैकेजिंग अमेजोन वाले की सही है। तो यहाँ से मैं फटाफट इसको खोल लेता हूँ, जैसे तैसे करके इसको खोल लिया। और फिर इसको खोला तो गाइस मतलब पहले तो पन्नी में दिखा, मेरे को लगा कि डायरेक्ट इसके अंदर होगा, लेकिन नहीं ये तो पन्नी में था। और मैंने कहा यार बाहर से फीलिंग तो सही आई थी हाथ में पकड़ना, लेकिन जैसे मैंने खोला मैंने कहा भाई साहब मतलब 300 रुपये में इतनी बेस्ट क्वालिटी, मतलब मज़ा ही आ गया मेरे को इसको लाइटर को देख के। मैंने कहा कि आज तो इस बार तो दिवाली पे मज़ा आ ही जाएगा। और बहुत ही मस्त लाइटर था, मतलब आपको क्या बताऊँ मैं इस लाइटर के बारे में, इतना मस्त। और आपको इसको जला के भी बताता हूँ। दो गाइस अंधेरा हो चुका और सबसे बढ़िया मौका है कि अपन इस समय अपना लाइटर का टेस्ट करें। और अंधेरे में लाइटर का टेस्ट करें मतलब आग को दिखाया, मतलब बहुत ही मस्त लगता है। तो फटाफट से इसको देखो और टेस्ट स्टार्ट करते। तो इसके लुक वाइज तो मतलब मस्त था, और ये इसकी फ्लेम है कुछ इस तरीके से निकलती है। और इसकी देखो यहाँ पर आगे वो भी है फ्लेम को कम ज़्यादा करने का, तो यहाँ पर से हम इसको बढ़ा लेते और देखो ज़्यादा फ्लेम में और ज़्यादा मस्त लगता है लाइटर। तो देखो कितनी तेज फ्लेम आ रही है इसकी। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी। मिलते हैं, बाय।